मुश्किल हादसा हो गया। इस बार पश्चिम बंगाल में हादसा हुआ है, इसमें कई लोग मारे गए, बहुत लोग घायल। स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में, मैं सईद खान, आप देख रहे हैं हकीकत इंडिया टीवी। दोस्तों, एक साल पहले इसी महीने में एक बहुत बड़ा रेल हादसा हुआ था जिसे बालासोर रेल हादसा कहते हैं। 292 लोगों की इस हादसे में जान गई थी और 1000 से ज्यादा लोग जख्मी थे, मगर रेलवे ने शायद कोई सबक नहीं लिया। अभी मैं आपको रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का एक वीडियो दिखाता हूँ, यानी अश्विनी साहब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जब दो ट्रेनें आसपास आती हैं तो किस तरह से ट्रेन ऑटोमेटिक रुक जाती है, यानी कि ये एक रेल कवच है, हमने किस तरह से अपने आप को मॉडर्न किया है, किस तरह से हाईटेक टेक्नोलॉजी हमने अपनाई है। लेकिन पूछे कि आज क्या हुआ, एक ट्रेन पटरी पर खड़ी थी और पीछे से आगे दूसरी ट्रेन उसको मार देती है। पश्चिम बंगाल में सियालदा जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस आज जलपाईगुड़ी में हादसे का शिकार हो गई है। उसे एक मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी, यानी कि ये टेक्नोलॉजी काम नहीं है, या ये टेक्नोलॉजी हवा हवाई थी, खाली लोगों को दिलासा देना था, बताना समझाना था, असल में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी शायद हमारे पास अभी नहीं है। हादसा इतना भयानक था कि 3 बोगियां पटरी से उतर गईं और कई बोगियां हवा में लहरा गईं और इस हादसे में 15 लोगों के जान जाने की खबर है। 200 लोग जख्मी बताए जाते हैं, मरने वालों की तादाद बढ़ भी सकती है, अभी पूरी तरह इसकी पुष्टि नहीं की गई है। दूसरी तरफ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ चुनाव जीतने की फिक्र है और इन लोगों की पेंशन भी खत्म कर दी गई है। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि केंद्र सरकार को सिर्फ ये दिखता है कि ईवीएम में किस तरह से हैकिंग